हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल 13 के ऊपर। कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। देखिए, पहले इस टॉपिक को जानने से पहले हमें यदि हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2 और 3 की बात करें तो ये आपको जानना होगा। देखिए, जब हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज यानी कि संविधान पूर्व विधियों की बात करता है। यानी कि इस संविधान के लागू होने से पहले भारत में जितने भी लॉज थे वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जहाँ तक वे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। और जब हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि संविधानोत्तर विधियों की बात करता है। यानी कि जो हमारा स्टेट है, जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया हुआ है, तो वहाँ पर जो स्टेट है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। और यदि ऐसा लॉ बनाया जाता है तो वो उस वॉल्यूशन की सीमा तक वॉइड हो जाएगा। तो यदि हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं तो एक बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की और एक बात कर रहा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, यदि हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं यानी कि विधि की बात करते हैं या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं, तो ये जो लॉ है इसे कहाँ डिफाइन किया हुआ है। इसे डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में। और इसे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजर्स हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि ये कह रहा है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, विधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा आती है। तो इस बात को आपको समझना होगा जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो आपके ये तीन पार्ट यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2 और आर्टिकल 13(3A) ये आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो जो सबसे पहले ये डिस्प्यूट था, ये सबसे पहले डिस्प्यूट शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1951 में अराइज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इसमें जब पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे कुछ फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता था। तो जो पिटिशनर थे उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को इसी आधार पे चुनौती दे दी थी, इसी आधार पे चैलेंज किया था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है। और जैसा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट यानी कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, और यदि वॉयलेशन किया जाएगा तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। लेकिन जब इसे चैलेंज किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और उनका ग्राउंड ये था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। यानी कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए या प्रदत्त भाग 3 द्वारा प्रदत्त किए गए मूल अधिकारों से असंगत हो या उन्हें छीनता हो या न्यून करता हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था शंकरी प्रसाद में कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 केवल लॉस पे एप्लीकेबल होता है। जब वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऐसे तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, लेकिन उनका ये कहना था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉस पे लागू होता है और लॉ को जो डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में किया गया है। और आपने पार्लियामेंट ने किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरप्रेट करते हुए कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में जो वर्ड लॉ है उसमें अमेंडमेंट नहीं आता है। यानी कि लॉ एक डिफरेंट चीज़ है और अमेंडमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 केवल लॉस पे एप्लीकेबल होता है, किसी अमेंडमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर सकता है। ये बात अलग है कि आप लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप अमेंडमेंट करके ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड केस ये आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। और इसमें हमारे जो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 था उसे भी इसी ग्राउंड पे चैलेंज कर दिया गया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को फॉलो किया, यानी कि जो शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसे सज्जन सिंह केस में भी फॉलो किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 क्लॉज 3A में जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है उसमें अमेंडमेंट नहीं आता है, और चूंकि लॉ और अमेंडमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप जो पार्लियामेंट है वो
लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकती क्योंकि 13 क्लॉज 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, किंतु पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकती है। क्लियर है बात। इसके बाद एक तीसरा केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1967 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट्स। इसका मतलब है कि इस बाद में जो उच्चतम न्यायालय ने है उसने अपने प्रीवियस दोनों जजमेंट को उलट दिया, और इस बार पहली बार ये इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में जो लॉ को डिफाइन किया गया है उसमें अमेंडमेंट भी आता है। यानी कि अब इसका इसका क्या इफेक्ट आया, देखिए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अगेंस्ट 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, और क्यों किया गया था, क्योंकि ये अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 13 क्लॉज 3A में लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट भी आएगा। अब यदि आएगा तो अब पार्लियामेंट न केवल लॉ बना के बल्कि अमेंडमेंट करके भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता, यदि वो करेगा तो ऐसा अमेंडमेंट यानी कि लॉ वॉइड हो जाएगा। क्लियर है बात। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो गोलकनाथ केस में चीफ जस्टिस कौन थे, तो चीफ जस्टिस सुब्बा राव थे, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्योरी प्रपाउंड की थी जिसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं भविष्यलक्षी विनिश्चय, अर्थात कि जो जजमेंट गोलकनाथ केस में आया था वो जजमेंट फ्यूचर से एप्लीकेबल होगा, पास्ट में जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में जो जजमेंट आ चुका है उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के सामने एक प्रॉब्लम ये आई कि पार्लियामेंट अब तक जो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर पा रहा था, भले ही वो लॉ बना के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहा था, लेकिन वो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर पा रहा था। लेकिन गोलकनाथ केस से अब पार्लियामेंट न केवल लॉ बना के बल्कि अमेंडमेंट करके भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर पा रहा था, इसलिए पार्लियामेंट ने अब सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने 1973 में एक अमेंडमेंट किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आर्टिकल 13 में एक नया क्लॉज 4 जोड़ दिया, और उसमें सीधे सीधे ये बात लिख दी गई कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी कि इस संविधान में जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 13 को अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि यदि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका इंटरप्रेट करूं तो इसका इफेक्ट ये हो गया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में लॉ को डिफाइन किया हुआ है और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट को डिफाइन किया गया है, लेकिन अब सीधे सीधे बात लिख दी गई आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में कि भाई लॉ एक अलग बात है और अमेंडमेंट एक अलग बात है, यानी कि 13 क्लॉज 3A में लॉ की डेफिनेशन में आप अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब इंक्लूड नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास अपनी पुरानी पावर आ गई, यानी कि अब पार्लियामेंट लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता, किंतु अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकता था। जब ये 24th अमेंडमेंट आया तो इसे ये जो 24th अमेंडमेंट था ये 1971 में आया था, और इसके दो साल बाद 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इसको चैलेंज कर दिया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को कॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रपाउंड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट को एनक्रोच कर सकते हो, वायलेट कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड तो डिक्लेयर किया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से। और ये बात भी आपको याद करनी होगी आपके एग्जाम्स के लिए कि जो केशवानंद भारती है अब तक की लार्जेस्ट बेंच है, इसमें 13 जजेस बैठे थे और इसमें जो चीफ जस्टिस थे वो चीफ जस्टिस ऑनरेरी चीफ जस्टिस सीकरी थे, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम ये आई कि पार्लियामेंट के पास अब तक जो 24th अमेंडमेंट में उन्होंने जो अपनी पावर गेन की थी, रिस्टोर की थी, उस पर कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन लग गया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का। अब पार्लियामेंट को ये डर था कि हम यदि कोई अमेंडमेंट करके किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करेंगे और हमारी कोर्ट उसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में ले आती है तो ऐसा अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पार्लियामेंट ने फर्दर एक अमेंडमेंट किया, 42nd अमेंडमेंट 1976, और उसमें आर्टिकल 368
में दो क्लॉज आर्टिकल क्लॉज 4 और 5 जोड़े गए, और इसमें उन्होंने अपनी पावर जो अमेंडमेंट पावर थी उनको एक तरीके से सॉवरन पावर बनाने की कोशिश की। उन्होंने 368 क्लॉज 4 में ये बात लिखी कि द अमेंडमेंट्स मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, यानी कि संसद यदि कोई भी संशोधन करेगी उसे किसी भी न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो क्लॉज 5 था 368 में जो क्लॉज 5 जोड़ा गया था उसमें बात सीधे सीधे लिख दी, नो रेस्ट्रिक्शन शैल बी इम्पोज ऑन द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन कोई भी निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो एक रेस्ट्रिक्शन का काम कर रही थी अमेंडमेंट पावर पे, तो पार्लियामेंट ने 368 क्लॉज 4 को इंट्रोड्यूस करके बात सीधे सीधे कह दी कि अब पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पे आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इस 42nd अमेंडमेंट की वजह से पार्लियामेंट के पास एक फुल फ्लैश पावर आ गई अमेंडमेंट को लेके। इसका मतलब है कि अब वो अमेंडमेंट करेगी, अब भले वो किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे, किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करे, आप ना तो उस अमेंडमेंट को कोर्ट में जाके चैलेंज कर पाएंगे और ना ही उसकी इस अमेंडमेंट पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर पाएंगे। लेकिन जो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ था, इसे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में से चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर 42nd अमेंडमेंट 1976 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि हम 42nd अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फाइनली हम यदि कंक्लूजन की बात करें तो हमें कंक्लूजन के लिए केशवानंद भारती के जजमेंट पे जाना पड़ेगा, यानी कि आप जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन तो कर सकता है, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन तो कर सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो यदि आप कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन में आपको केशवानंद भारती जजमेंट आपको देना पड़ेगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना रहेगा और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।